As you all know from my last video, I started our third chapter of second book, and in that video I will give you the general information about the chapter, and I also started the chapter and explained the first paragraph of the chapter. And in that paragraph I have discussed about the village of author and about the title of the chapter, that why author preferred this title, that is Ranga's marriage. Now I will continue the chapter in this video, so let's start. Sorry, I started somewhere and then went off in action. If the state of Mysore is to Bharat Varsha what the sweet Kari Ghadabu is to a festive meal, then Hose Hali is to Mysore state what the feeling is to the Kari Ghadabu. Yani ki students, author wanted first of all, author feel regret. ऑथर हमें सॉरी कहते हैं कि सॉरी मैं चैप्टर की शुरुआत में कहीं और से ही शुरुआत कर दी और कहीं और पे ही पहुंच गया. फिर हमें ऑथर माइसोर के बारे में बताते हैं कि अगर हम माइसोर की बात करें तो माइसोर में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, कारी घडाबू. ये कारी घडाबू क्या है, तो इसका मीनिंग हमें पेज के एंड में दिया. आपको कैसे मालूम होगा कि आप देखिए कि इस वर्ड के ऊपर ये वन नंबर लिखा है, यानी कि यहाँ पे जो हार्ड वर्ड होंगे उसके मीनिंग हमें यहाँ पे दिए होंगे, तो 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स वर्ड पे लिखे होंगे. तो कारी घडाबू का मतलब है अ साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट फिल्ड विथ कोकोनट एंड शुगर, यानी कि साउथ इंडिया की ये एक स्वीट यानी कि मिठाई है जिसके अंदर कोकोनट और शुगर होती है बीच के अंदर फील्ड. तो जैसे माइसोर के अंदर ये स्वीट बहुत फेमस है, तो जैसे कि तो ये जो हौसे हॉली यानी कि ऑथर का जो गांव है वो माइसोर की जो ये स्वीट है उसके अंदर जो फीलिंग होता है, यानी इसके अंदर जो भरा जाता है कोकोनट और शुगर, उसी का काम ये हौसे हॉली करता है. व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी. I will not object to your questionings it, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly of Hose Hali. Hose Hali, we have a doctor in our place. His name is Gunda Bhatta. He agrees with me. Quite a few places. No, not England. तो ऑथर हमें कहते हैं कि आपको ये सब जो मैंने आपको जानकारी दी मेरे गांव के बारे में, तो आपको थोड़ा सा बहुत सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में होंगे, लेकिन बिलीव कीजिए. ऑथर हमें कहते हैं कि बिलीव कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, और ये जो मेरा ओपिनियन है मेरे गांव के बारे में सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे लोग मुझसे अग्री करते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे गाँव का डॉक्टर, ये ऑथर हमें कहते हैं कि मेरे गाँव का डॉक्टर जिसका नाम है गुंडा भट्टा, वो भी मेरी बात से अग्री करता है कि ऐसे बहुत कम प्लेसेस हैं, यानी वो बहुत सारी जगहों पे घूमा है लेकिन ऐसा गांव, ऐसी प्लेसेस बहुत कम है. इफ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज बीन देयर, ही सेज नो. अन्नया, अन्नया का मीनिंग क्या है वो भी हमें यहाँ पे नीचे दिया गया है. अन्नया का मीनिंग है इन कन्नड़ अ रिस्पेक्टफुल टर्म फॉर एन एल्डर, यानी कि ये कन्नड़ भाषा है, कन्नड़ लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की गई है. तो जब भी कन्नड़ लैंग्वेज में अगर हमें किसी बड़े आदमी, बड़े लोग को, यानी कि हमारे से, हमसे उम्र में जो बड़े हो उसको अगर हमें रिस्पेक्ट देनी हो, तो कन्नड़ में ये वर्ड यूज़ होता है अन्नया. तो I have left that to you. Running around like a flea pestered dog is not for me. I have seen a few places in my time. Though, as a matter of fact, he has been many. यानि मैं मेरे टाइम में बहुत सारी जगहों पे घूमा हुआ हूँ, लेकिन फैक्ट की बात यह है, as a matter of fact, सच्चाई ये है कि he has seen many, बहुत सारी जगहें उन्होंने घूमी हुई है. किसके बारे में बात की है, डॉक्टर के बारे में. we have seen some mango
trees in our village. Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. Do not eat it, just take a bite. The salt goes straight to your Brahmarandhra. ये भी एक कन्नड़ लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है कि द सॉफ्ट पार्ट इन अ चाइल्ड्स हेड वेयर स्कल बोन्स जॉइन लेटर. हियर यूज एज एन आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन टू कन्वे द एक्सट्रीम पोटेंसी ऑफ सॉलनेस. यानी कि स्टूडेंट्स अब ऑथर हमें उसके गांव की और भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं. ऑथर कहते हैं कि मेरे गांव में अगर आप आए तो मेरे गांव में जो मैंगो ट्रीज है उसे आप देखिएगा और उसमें से एक रॉ यानी कि कच्चा मैंगो यानी कच्चा आम खाना, सिर्फ एक बाइट लेना. तो उसका जो कच्चे आम का जो टेस्ट है, सॉरनेस है, खट्टापन, वो सीधे ही आपके ब्रह्मानंद्र यानी कि हमारे छोटे से बच्चे के अंदर का जो ब्रेन है उसमें उसका जो सॉफ्ट पार्ट है जिसमें हमारा स्कल आया हुआ है, हमारा सिर अंदर ब्रेन आया हुआ है, तो वहाँ तक वो आपका जो टेस्ट है आम का वो वहाँ तक पहुँचेगा. ऑथर हमें ये कहते हैं, आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट. ऑल ऑफ अस एट इट द कफ वी सफर्ड फ्रॉम. आफ्टर दैट इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन in that the doctor told me about the special quality of the fruit. आगे हमें इस फ्रूट की और भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक ऑथर बताते हैं स्टूडेंट्स की. ऑथर कहते हैं कि एक बार मैंने ये ऐसा ही ये जो फ्रूट है वो मैं अपने घर ले गया था और उसमें से हमने चटनी बनाई थी और फिर पूरे हमारे पूरे परिवार ने वो चटनी खाई थी, तो तुरंत ही मुझे कफ हो गया था. और जब मैं दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे इस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी ये बताई थी कि खाने के बाद ऐसा. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो टुडे आई हैव डिस्कस्ड मोर अबाउट द विलेज ऑफ द ऑथर एंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑथर्स विलेज. एंड आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन इजी वे. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. नाउ आई विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू वेरी मच.